Hello and welcome to this lecture, students. We are going to discuss about three-phase bridge inverters today. But before that discussion, I would like to complete this particular full bridge inverter, McMurray full bridge inverter. In last lecture, we have seen the half bridge inverter. तो जो लास्ट लेक्चर में आपने हाफ ब्रिज इन्वर्टर पढ़ा है उसके सारे कंसेप्ट आप अप्लाई कर देंगे फुल ब्रिज इन्वर्टर में। इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है बुक में, ठीक है। उसका रीजन ये है कि फुल ब्रिज इन्वर्टर जो है जस्ट एक्सटेंशन होता है किसका, हाफ ब्रिज इन्वर्टर। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है, एक्सटेंशन है। तो उसके जितने भी है, हमने वेव फॉर्म्स और डायग्राम्स बनाए ना पिछले डायग्राम स्टडी के, सॉरी पिछले लेक्चर में, तो पिछले लेक्चर से आप वो सारे डायग्राम्स देख लेंगे और उन डायग्राम्स को ही आपको यहाँ पे अप्लाई करते हुए बना देना, ठीक है। अब फुल इन्वर्टर है तो दोनों फेसेस में काम करेगा, दोनों हाफ में काम करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी काम करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी काम करेगा। तो बस वहीं पर डिफरेंस आता है, बाकी तो बेसिक वर्किंग वही रहने वाली है जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर की थी, ठीक है। सो इसको जल्दी से कवर करते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर की तरफ। अ सिंगल फेज मॉडिफाइड मकमुर्रे फुल ब्रिज इन्वर्टर इज शोन इन फिगर, दिस इज द इन्वर्टर। तो इतना जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये तो पिछली बार भी था, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। अब लोड जो है यहाँ पे ना लग के यहाँ पे आ गया है ना। द नंबर ऑफ थायरिस्टर्स, डायोड्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन फुल ब्रिज इन्वर्टर इज डबल ऑफ दोस इन हाफ ब्रिज इन्वर्टर, एज सिंपल एज दैट। जितना उसमें था हाफ ब्रिज उसके जैसे डबल। The operation of this inverter during commutation process is similar to that described in the previous section for a single phase half bridge inverter. For example, for mode 1, thyristor T1, T2 are conducting and load current completes its path through VS T1 low, T1 load, T2 and back to the source. जो मोड वन रहेगा उसमें मोड वन मोड टू ये सब हम लोग पिछले इसमें देख चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में डिटेल में डिस्क्रिप्शन मोड वन मोड टू मोड थ्री मोड फोर एंड मोड सेवन तक, ठीक है। तो वहां से आप लोग मोड ले लेंगे और डिस्क्राइब कर लेंगे एक। उसके बाद आप देखेंगे जब ये वाले मोड में आते हैं, सॉरी मोड टू में आते हैं, तो TA1 एंड TA2 आर ट्रिगर्ड। ये TA1 और TA2, TA1 ये TA1 एंड और उसके बाद ये जो TA2 वाला डायग्राम, ये TA1 TA2 हमेशा क्रॉस में ट्रिगर होता है, TA1 TA2, ठीक है। ये देखिए T1 और T2, अगले पे T3 T4 होगा, फिर T3 T4 यहां से आएगा, है ना। क्रॉस में, हमेशा क्रॉस में देखना है आपको। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रॉस में कनेक्शन में इसलिए देखते हैं क्योंकि आपका जो लोड है ना, लोड के उस तरफ एक हाफ साइकिल के लिए, दूसरी तरफ दूसरे हाफ साइकिल के, ठीक है। तो मोड टू में TA1 TA2 ट्रिगर होगा, कम्यूटेट करेगा किसको, किसको कम्यूटेट करने के लिए है, ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर है, किसको कम्यूटेट करेंगे, T1 को, और किसको कम्यूटेट करेंगे, T2, ठीक है। फॉर मोड थ्री, कम्यूटेटिंग करंट IC इन बोथ द सर्किट गोज बियॉन्ड द लोड करंट I0, सो दैट T1 एंड T2 आर टर्नड ऑफ एंड सो ऑन। तो कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डिस्क्रिप्शन आपको फुल ब्रिज इन्वर्टर में लिख देना है, ठीक है। उसमें जितने मोड समझाए थे उसको उन मोड्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर देना है। बस ड्रॉ करते समय इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें कंपोनेंट्स जस्ट डबल हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस, ठीक है। तो मोड्स का डिस्क्रिप्शन मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल में बताया है। तो आप एक काम कीजिए, मोड 4 या मोड 5 तक के उसको प्रिपेयर कर लीजिए, दोनों के लिए, हाफ के लिए भी और फुल के लिए, ताकि कोई भी आपको आता है क्वेश्चन तो आप उसमें हाफ का डायग्राम बनाएंगे, बेसिक डायग्राम, और इसमें फुल का बेसिक डायग्राम बनाएंगे। बाकी जब डिस्क्राइब करेंगे मोड्स को तो वर्किंग बेसिकली डिस्क्राइब करनी है आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाफ ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मकमुर्रे हाफ एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। नाउ वी आर मूविंग टू द थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर्स, वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड करके फिफ्थ यूनिट में जाएंगे, ठीक है। So three phase bridge inverters for providing adjustable frequency power to industrial applications, three phase inverters are more common than single phase inverters. Three phase inverters like single phase inverters take their DC supply from a battery or more usually from a rectifier. A basic three phase inverter is a six step bridge inverter. It uses a minimum of six thyristors. Six step, six thyristors. In inverter terminology, a step is defined as a change in the firing from one thyristor to next thyristor in a proper sequence. एक thyristor से दूसरे thyristor के बीच में जो firing का difference होता है, जो firing change होता है, उसके हिसाब से आप उसके steps को define करते हैं। तो minimum six step bridge inverter बोलने का क्या मतलब है? Every
क्योंकि एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 360 डिग्री लगेगा, ठीक है। तो 360 डिग्री में ईच स्टेप वुड बी ऑफ 60 डिग्री इंटरवल फॉर दिस सिक्स स्टेप। दिस मींस दैट थायरिस्टर वुड बी गेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 60 डिग्री इन प्रॉपर सीक्वेंस सो दैट अ थ्री फेस एसी वोल्टेज इज सिंथेसाइज्ड एट द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द सिक्स स्टेप इनवर्टर। ओके, फिगर 8.19a शोज द पावर सर्किट ऑफ अ थ्री फेस ब्रिज इन्वर्टर यूजिंग सिक्स थायरिस्टर्स एंड सिक्स डायोड्स एज स्टेटेड अर्लियर। ये फिगर देखेंगे नीचे। एज स्टेटेड अर्लियर द ट्रांजिस्टर फैमिली ऑफ डिवाइसेस इज नाउ वेरी वाइडली यूज्ड इन इन्वर्टर सर्किट्स। प्रेजेंटली यूज ऑफ IGBTs इन अ IGBT हम लोग पढ़ चुके हैं, इंसुलेटेड गेट गेटेड बाइपोलर ट्रांजिस्टर इन सिंगल फेस एंड थ्री फेस इन्वर्टर इज ऑन द राइज। बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं IGBTs। The basic circuit configuration of inverter, however, remains unaltered as shown in figure 8.19b यहाँ पे for a three-phase bridge inverter using the IGBTs in place of thyristor। ठीक है, तो आप IGBT और thyristor दोनों को यूज कर सकते हैं। A large capacitor connected at the input terminal tends to make the input DC voltage constant. This capacitor also suppresses the harmonics fed back to the source. तो देखो पहले ये फिगर देख लेते हैं। तो ये थायरिस्टर है T1, ठीक है, T2, T3, T4, T5, T6, T1 के साथ D1 लगा हुआ है, T2 के साथ D2 लगा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये तीन फेसेस हैं तो ऑब्वियसली ABC आपको मिलेंगे थ्री फेस लोड के साथ। ये देखो, ये IGBT से रिप्लेस किया इसको। ये थायरिस्टर वाला डायग्राम है और ये IGBT वाला डायग्राम है। आपको ये नहीं बनाना है, आपको सिर्फ क्या बनाना है, ये वाला थायरिस्टर वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको सिर्फ फिगर ए बनाना है, फिगर बी नहीं बनाना है। तो इन्वर्टर यूजिंग ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज इन्वर्टर यूजिंग सिक्स थायरिस्टर्स, कम्यूटेशन एंड स्नबर सर्किट्स आर ओमिटेड फॉर सिंपलिसिटी। यहाँ पे कम्यूटेशन सर्किट नहीं बताया गया, नहीं तो कम्यूटेशन सर्किट बनाना है आपको तो आपको देख लीजिए, सिक्स थायरिस्टर है तो सिक्स ऑक्सिलरी थायरिस्टर भी लेने पड़ेंगे, TA1, TA2, TA3, आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। इसलिए उसको नहीं बताना है आपको यहाँ पे। इट मे बी सीन फ्रॉम फिगर 8.18 जो हमने पढ़ा है पिछला, जो बेसिक इन्वर्टर का फिगर था वहां से, ठीक है। दैट आर थ्री फेस ब्रिज इन्वर्टर्स कंसिस्ट ऑफ थ्री हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स। थ्री हाफ ब्रिज इसलिए क्योंकि एक फेस के लिए एक हाफ ब्रिज, दूसरे फेस के लिए दूसरा हाफ ब्रिज, और तीसरे फेस के लिए तीसरा हाफ ब्रिज। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर एक थ्री फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर बनाना है तो तीन हाफ फेस ब्रिज का कॉम्बिनेशन होगा। थ्री फेस लोड इज अज्यूम टू बी स्टार कनेक्टेड। स्टार हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, यहाँ पे स्टार कनेक्शन अज्यूम किया गया है, आप देख भी सकते हैं स्टार कनेक्शन है ना। सीक्वेंस जो है वो ऐसे इसको रखा गया है, VAB, VBC और VCA, और ये आउटपुट टर्मिनल ABC है जो इन्वर्टर के लिए दिए गए हैं। दो पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं आपके थायरिस्टर को गेटिंग करने के लिए, मतलब थायरिस्टर को टर्न ऑन करने का जो पैटर्न होगा वो दो तरीकों से हो सकता है। या तो होगा 180 डिग्री वाला मोड और दूसरा वाला होगा 120 डिग्री वाला मोड। बट इन बोथ दीज पैटर्न्स गेटिंग सिग्नल्स आर अप्लाइड एंड रिमूव्ड एट 60 डिग्रीज ऑफ इंटरवल। चाहे आप 180 डिग्री वाला पैटर्न लें, चाहे आप 120 डिग्री वाला पैटर्न लें, दोनों ही पैटर्न्स में जो गेटिंग होगी सिग्नल्स की वो अप्लाई या रिमूव होगी इन एवरी 60 डिग्री इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देयरफॉर बोथ दिस मोड्स रिक्वायर अ सिक्स स्टेप ब्रिज इन्वर्टर, इसलिए सिक्स स्टेप बोल रहे हैं इसको, ठीक है। आप ये इसको रिलेट करना है ना, 180 डिग्री और 120 डिग्री में कैसे काम करेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही सिक्स स्टेप है, मतलब हर 60 डिग्री में गेटिंग जो है वो थायरिस्टर की क्या होगी, चेंज होगी, ये ध्यान रखना है। दीज मोड्स ऑफ थायरिस्टर्स कंडक्शन आर डिस्क्राइब्ड इन व्हाट फॉलोस। चलो देखते हैं थ्री फेस 180 डिग्री वाला मोड। तो ये है आपका डायग्राम थ्री फेस 180 डिग्री वाले मोड का। T1, T4, यहाँ पर T1, T6, T3, T5, मतलब 180 डिग्री में किस किस तरीके से काम करना है उसको हम समझने की कोशिश करें। थायरिस्टर पेयर इन ईच आर्म, दैट इज T1, T4 पेयर है। T1, T4 का क्या है, पेयर है। T3, T6 का क्या है, पेयर है। तो यहाँ पे देखो T1, T4 आपको एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे T1, T4 एक साथ दिख रहा है, यहाँ पे T6, T3, यहाँ पे T6, T3 और एंड सो ऑन। और यहाँ पे T2, T5, तीन फेस है ना, इसलिए अलग 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 उसको दिखा दिया गया। तो पेयरिंग किसकी किसकी की गई है, T1 के T4 के साथ की गई है, T3 के T6 के साथ की गई है, T5 के T2 के साथ की गई है। ये तीनों आप रोज हैं उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे पेयर जो हैं वो टर्न ऑन होंगे कितने टाइम इंटरवल के साथ, 180 डिग्री वाले टाइम इंटरवल के साथ, ठीक है। ओके, तो इसको इस तरीके से आपको समझना है ना। अब स्टेप्स देखो,
स्टेप्स में देखो कंडक्टिंग थायरिस्टर्स 0 से 60 डिग्री के बीच में 561, तो आपका ये है 5, ये है 6 और ये है 1, तो ये तीनों, ठीक है। 60 डिग्री से 120 डिग्री में 612, फिर उसके बाद 123, 234 एंड सो ऑन, ये स्टेप्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब तीन 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 है यहाँ पे, जब 120 डिग्री वाला हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसके इसमें जो स्टेप्स की इसने बात की है उसमें क्या उसके पीछे साइंस है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट मींस दैट T1 कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री एंड T4 फॉर द नेक्स्ट 180 डिग्री ऑफ द साइकिल। समझिए, ये जो 60 डिग्री वाला जो टाइम इंटरवल है ये तो थायरिस्टर के टर्न ऑन और टर्न ऑफ होने के बीच में मतलब कहना चाहिए गेटिंग का डिफरेंस है, बट हम मोड की बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री वाला मोड है और पेयर किसका है T1 T4 का। इसका मतलब T1 180 डिग्री तक ऑन रहेगा, फिर कौन ऑन होगा, T4 ऑन होगा। वैसे ही अगर T3 T6 की बात करेंगे तो T3 180 डिग्री तक ऑन रहेगा, फिर T6 180 डिग्री नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, T1 कंडक्ट करेगा 180 डिग्री के लिए, फिर T4 कंडक्ट करेगा नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए। थायरिस्टर इन द अपर ग्रुप दैट इज T1 T3 T5 कंडक्ट एट एन इंटरवल ऑफ 120 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट इफ T1 इज फायर्ड एट 0 डिग्री T3 मस्ट बी एट 120 डिग्री एंड T5 मस्ट बी एट 240 डिग्री। सेम इज ट्रू फॉर लोअर ग्रुप ऑफ SCRs, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको समझ लेना है। तो इन दिस टेबल फर्स्ट रो शोज दैट T1 फ्रॉम अपर ग्रुप कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री एंड T4 फ्रॉम द नेक्स्ट ग्रुप अगेन कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री, ठीक है। एंड देन अगेन T1 फॉर एंड सो ऑन, तो T1 T4 T1 T4 के बीच में वो कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। इन द सेकंड रो T3 आएगा फ्रॉम द अपर ग्रुप इज शोन स्टार्ट कंडक्टिंग 120 डिग्री आफ्टर T1। T1 कब स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 0 डिग्री पे, वो कब तक चलेगा, 180 डिग्री तक चलेगा। तो जो नेक्स्ट है T3 आएगा, वो कब स्टार्ट होगा कंडक्ट करना, वो T1 से उसका जो डिफरेंस होगा, देखो T3 फ्रॉम द अपर ग्रुप इज शोन स्टार्ट कंडक्टिंग 120 डिग्री आफ्टर T1 स्टार्ट कंडक्टिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि T1 और T3 के बीच में जब आप चेंज करेंगे ना, कहना चाहिए ट्रिगरिंग जब चेंज होगी तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 60 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और मोड कितने वाला है, 180 डिग्री वाला है। तो T1 और T3 के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसको समझते हैं यहाँ डायग्राम से। ये देखो, ये T1 है और ये T3 है और ये T5 है। T1 स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री पे, कब तक कंडक्ट करेगा, 180 डिग्री तक, लेकिन हम 60 डिग्री में नेक्स्ट गेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो 60 डिग्री में नेक्स्ट गेटिंग चेंज करेंगे और नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए अगर मुझे T3 को चलाना है तो कहां से स्टार्ट करोगे आप, 120 से, 120 प्लस 60 हो गया। फिर उसके बाद जब T5 आएगा तो वो उससे उतने का डिफरेंस ले लेना है ना। देखो यहां पे T5, तो ये यहां पे बताया गया। फर्दर इन द थर्ड रो T5 फ्रॉम द अपर गेट स्टार्ट्स कंडक्टिंग 120 डिग्री आफ्टर T3 और 240 डिग्री आफ्टर T1, ठीक है। तो उसका 60 ऐड हुआ, इसका आपका ऐड हुआ 120 180 हो गया, फिर इसका भी 60 ऐड हो गया T5 का। थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, 60 60 का जो कॉम्बिनेशन है, पहले स्टार्ट हुआ 60 तक चला, 60 के बाद T3 को ट्रिगर किया, T3 120 डिग्री के बाद ट्रिगर होगा क्योंकि 180 का साइकिल कंप्लीट करना है। उसके बाद जब T5 की बात करेंगे तो वो उसके 60 डिग्री बाद कंडक्ट होगा, इसलिए हमने उसको ले लिया 120 के बजाय 180। और अगर मैं T1 से कंपेयर कराऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सिर्फ एक ही ग्रुप एक्सप्लेन कर लेंगे ना तो आपको दोनों ग्रुप एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं। मैं फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ इसको ताकि ये एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। T1 कंडक्ट कर रहा है सबसे पहले स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे, T3 को हमको कब तक रोक के रखना है, जब तक 120 डिग्री ना आ जाए। ये देखो 120 डिग्री में T3 कंडक्ट करेगा, फिर T5 कब कंडक्ट करेगा, जब तक क्या नहीं आ जाए, 240 नहीं आ जाए। T5 की लाइन ये है 240 वाली, T3 की लाइन ये है 120 वाली और T1 की लाइन ये है 0 वाली। अब ये डिफरेंस क्यों रख रहे हैं आप, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब तक 60 डिग्री अचीव नहीं होगा तब तक नया ट्रांजिशन हो नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे अगर T3 को कंडक्ट कराना है तो वह 120 डिग्री पे कंडक्ट कराया, उससे क्या हुआ, अब 120 और 60 डिग्री तो कितना हो गया, 180 डिग्री वाला मोड है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं T5 पे, T5 T3 के साथ नेक्स्ट और 60 डिग्री का डिफरेंस लेके चलेगा, मतलब वो कहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, 180 से, तो 180 से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, 180 प्लस
तो नेक्स्ट उसका क्या आ जाएगा, प्लस 60, तो 180 प्लस 60 कितना होता है 240। तो T5 जो है T1 के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री के डिफरेंस पे काम करता है, और अगर मैं T3 के साथ डिफरेंस में लूं तो वो कितने के डिफरेंस पे काम करता है, 180 डिग्री के। वो इसलिए क्योंकि उसका 60 डिग्री पहले से आपने एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है। बाकी इसमें तो डायग्राम में ऐसा कुछ है नहीं, तीन फेस है इसलिए सप्लाई कितने में डिवाइड हो रही है, Vs/3 में डिवाइड हो रही है। इस तरीके से आप इसको डायग्राम पे बना लो, π2π2π3π4π के डिफरेंस। ठीक है, अदरवाइज इस डायग्राम में और ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है ये सप्लाई वाला डायग्राम है और ये आपका आउटपुट वाला डायग्राम है। बिल्कुल इन्वर्ट बनाना है आपको, इन्वर्टर है ना, तो उसको इन्वर्टिंग के उसमें डिफरेंस में आप बनाओगे। डिग्रीज देख लीजिए कहाँ से कितने का डिफरेंस लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिक आप समझा लेंगे अगर आपके वेव फॉर्म्स को, तो उतना ही सफिशियंट हो जाएगा, और ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो आपको देखना ही नहीं है, स्टेप वन स्टेप टू। अच्छा, आउटपुट कैसा आएगा उसके लिए इसने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो एक बार मैं आपको आउटपुट वाला डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मोड में जो है कि 120 डिग्री वाला मोड। 120 डिग्री वाले मोड में भी कुछ नहीं है, बेसिक डायग्राम तो सेम ही रहने वाला है, उसमें भी स्टेप्स रहेंगे जो अलग अलग रहेंगे, तो एक बार हम लोग स्टेप्स को देख लेते हैं कि स्टेप्स में किस तरीके से यहाँ पे बताया गया। ठीक है, ये मोड ऑफ ऑपरेशन है, आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलता है आपको जो वेव फॉर्म में बताया गया है, उसका क्या क्या अलग अलग मोड है। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में देखो 0 से 60 डिग्री, थायरिस्ट नंबर 5, 6, 1 क्लोज्ड है, 5 क्लोज्ड है, 6 क्लोज्ड है, 1 क्लोज्ड है, कौन कनेक्ट कर रहे हैं, 4, 3 और 2। तो 2 से आपको मिल रहा है सी पे कनेक्शन, 3 से आपको मिल रहा है बी पे कनेक्शन, और 4 से मिल रहा है आपको ए पे कनेक्शन। बाकी जो है क्लोज्ड का मतलब है ऑन है। क्लोज्ड का मतलब क्या है, ऑन है, मतलब यहाँ पे 1 से कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे 6 से कनेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे किसे मिल रहा है, 5 से, 1, 3 और 5 का फंडा। ठीक है, 1, 3 और 5 का फंडा जो हमने शुरू में पढ़ा अभी। ठीक, उसके बाद जब आप स्टेप वन में देखेंगे तो ये देखो ए जेड जेड Vs/3 और ये हो गया 2Vs/3, है ना, ये Vs/3 यहाँ से 2Vs/3 आ गया। ठीक है, VAB VCO क्या है, Vs/3 पे है, और VBO क्या है, 2Vs/3 पे। ठीक है, यहाँ से आप ये देख लेंगे, इसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप टू पे, इसमें 6, 1, 2 क्लोज है, जो पेयरिंग होगी तीन तीन की पेयरिंग आप देख लेना, अब उस पेयर से कंपेयर मत करना आप, लोअर और अपर ग्रुप की बात हो रही है, और वैसे ही आप स्टेप थ्री में चले जाओगे एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा स्टेप पे। स्टेप में कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ ये बता रहा है कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आउटपुट आप कैसे ले। ठीक है, इस तरीके से आप उसको समझ लेंगे, इसमें भी ज्यादा बहुत डिटेल में मत जाइएगा, सिर्फ आपको बेसिक डायग्राम जो ऊपर वाला है ये बेसिक डायग्राम आपको बनाना है। कौन सा बेसिक डायग्राम, ये वाला। इसके बाद आपको ये वेव फॉर्म बनाना है, उस वेव फॉर्म को आप जो है यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन से आउटपुट से क्या क्या कनेक्टेड है। नहीं भी समझ में आता है तो आप सिंपली इन्वर्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको थ्री फेस के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली इसको समझ नहीं पाते हैं तो भी ठीक, अदरवाइज ये सेल्फ प्रैक्टिस की चीज है, इसमें कोई और थ्योरी नहीं है जिसको समझाने की जरूरत है, जो समझने का था इन्वर्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 120 डिग्री वाले मोड में और 180 डिग्री वाले मोड में क्या डिफरेंस रहेगा वो बस समझते हैं। ठीक है, ताकि आप जो है डिफरेंस, हमेशा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डिफरेंस समझना है, अगर आप डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आप हर चीज को याद नहीं रख पाएंगे। तो सिर्फ हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि 180 डिग्री और 120 डिग्री वाले में क्या डिफरेंस। फॉर 120 डिग्री मोड ईच थायरिस्टर कंडक्ट फॉर 120 डिग्री ऑफ अ साइकिल, लाइक 180 डिग्री मोड, 120 डिग्री मोड ऑल्सो रिक्वायर 6 स्टेप्स ईच ऑफ 60 डिग्री ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग 1 साइकिल ऑफ द आउटपुट एसी वोल्टेज। सीधे मैं आ जाता हूं फिगर में, अब देखो यहां से हम देखना है ना, ये है आपका T1 T4 के कॉम्बिनेशन, ये T6 T3 का कॉम्बिनेशन, और T2 T5 T2 T5 का कॉम्बिनेशन। आप देखो यहां पे ये डैश लाइंस कितने का डिफरेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का। पहले थायरिस्टर कितने डिग्री तक कंडक्ट होता था, 180 डिग्री तक, जो पिछला मोड था।
अब आप उसको कितने डिग्री तक कंडक्ट करना चाह रहे हैं, 60 डिग्री तक कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, जब मैं 0 से 60 डिग्री के बीच में बात कर रहा हूं तो इस ग्रुप से कौन आ रहा है 1, इस ग्रुप से कौन आ रहा है 6। नेक्स्ट में आ रहा हूं तो ये 1 आ रहा है और क्या आ रहा है 2 आ रहा है। नेक्स्ट में आ रहा हूं यहां पे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। आप देखिए कॉमन चीजें कौन कौन सी, यहां वाले इन 0 से 60 डिग्री के बीच में कॉमन क्या है, T1 T6 कॉमन है, ये T1 T6 कॉमन। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री में देखो ये T1 T2 कॉमन है, तो ये 1 2 लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 60 डिग्री में यहां पे 120 से 180 के बीच में क्या कॉमन है, T2 और T3 कॉमन है, तो T2 और T3, समझ में आ रहा है आपको। तो 60 डिग्री का डिफरेंस है और 120 में हमको लेके चलना है, इसलिए 60 डिग्री का आपको ये जो ओवरलैपिंग वाला जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस, एक बारी मैं इसको पढ़ भी देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर दिस इन्वर्टर 2 अ टेबल गिविंग द सीक्वेंस ऑफ फायरिंग ऑफ 6 थायरिस्टर इज प्रिपेयर्ड एज शोन इन द फिगर। जैसे मैंने आपको बताया, इन दिस टेबल फर्स्ट रो शोज दैट T1 कंडक्ट्स फॉर 120 डिग्री एंड फॉर द नेक्स्ट 60 डिग्री नाइदर T1 नॉर T4 कंडक्ट्स, ठीक है, वहां ऑफ है ना क्योंकि 120 डिग्री वाला है। नाउ T4 इज टर्नड ऑन एट ओमेगा T इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इट फर्दर कंडक्ट्स फॉर 120 डिग्री, दैट इज फ्रॉम 180 टू 300। This means that for 60 degree interval from 120 to 180, series connected SCRs do not conduct. At omega t equals to 300, T4 is turned off. Then again 60 degree interval elapses before T1 is turned on again at omega t equals to 360 degrees. So elapsing time है. This time is elapsing. कोई conduct नहीं कर रहा है इसमें, ना T1 conduct कर रहा है ना T4, ना T1 conduct कर रहा है T4, ना T1 conduct कर रहा है ना T4. इसलिए ये dashes line बनाइए और ये कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट करते जाइए, बहुत आसानी से आप इस डायग्राम को फिर बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम को उस तरीके से समझने की जरूरत है। फिर आप जाएंगे मोड में, तो मोड में क्या होगा, मोड में अगेन वही वाले डायग्राम मिलेंगे आपको, मोड में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, मोड में आपको वही डायग्राम मिलेंगे। हाँ वहां पे 2 VS/2 उसका फंड आ रहा था, यहाँ पे VS/2 VS/2 है क्योंकि 60 डिग्री का डिफरेंस है सिर्फ, तो एक 60 डिग्री के लिए VS/2, दूसरे के लिए VS/2, फिर VS/2 VS/2, आपको यहाँ पे 2 VS/2 वाला फंडा नहीं मिलेगा। मैं फिर से चले जाता हूँ पिछले डायग्राम में, जब यहाँ पे देख रहे थे कि 2 VS/3 वाला फंडा, VS/2 बोलो, 2 VS/3 क्योंकि 3 फेस था और वहां पे तीनों फेसेस में आप वैल्यूज ले रहे थे। यहाँ पे देखिए आप 3 फेस तो है लेकिन आप तीनों फेसेस से वैल्यू भी ले रहे हैं, बट आपका जो डिग्री का डिफरेंस है वो 120 डिग्री का ही है। तो आप देखो यहाँ पे 0 से 60 डिग्री के बीच में दो ही थायरिस्टर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे पिछले वाले केस में देखो 0 से 60 डिग्री में कितने थायरिस्टर काम कर रहे थे, 3 थायरिस्टर काम कर रहे थे, 3 थायरिस्टर के कारण यहाँ पे बाई 3 आया, सब में बाई 3 है ना, सब में बाई 3, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या है बाई 2 क्योंकि दो ही थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। यही बेसिक फंडामेंटल है जो आपको ध्यान में रखना है 120 डिग्री और 180 डिग्री के डायग्राम के बीच। ये फंडा आप समझ जाते हैं तो आपको वेवफॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं सर्किट डायग्राम बनाने। सो दिस इज ऑल अबाउट 3-फेस ब्रिज इन्वर्टर्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस आपको ये समझना है कि फायरिंग एंगल कब से आएगा और किस तरीके से उसको आपको कंपैरेटिव स्टडी करके देखना है। दोनों चीजें आप याद नहीं रखेंगे, कोई एक चीज पढ़ लीजिए फिर दूसरे को उससे रिलेट करके बना लीजिए, ठीक है, जैसा मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर यूनिट नंबर 4। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5 ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।